गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी जॉब्स के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे, चाहे वो DSSS भी हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, पर आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे एंड आप लोगों को वहाँ से फीडबैक भी होपफुली आ रहा होगा। तो हमारी जो पहली वैकेंसीज हैं, इट इज़ फॉर विशाल भारती पब्लिक स्कूल। आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, इट इज़ इन पश्चिम बिहार। इसमें टीचिंग पोस्ट की आपकी वैकेंसीज हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको घर बैठे बैठे अपने CV को, अपने अपडेटेड CV को इनके गिवन ईमेल ID पे आपको सेंड करना है। अगर आपका CV उनको पसंद आएगा तो आपको उनको रिटर्न टेस्ट के लिए और डेमो के लिए कॉल आएगा। बट इसमें एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द टीचिंग पोस्ट, बट ये पश्चिम बिहार में आप लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड ये जो स्कूल है आपको सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड करता है। ऑल्दो आप लोगों को रिटर्न टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो CV आपका अपडेट होना चाहिए। किसी भी क्लास के लिए अगर आप लोग डेमो दे रहे हैं, अगर आप PRT के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को रिटर्न टेस्ट के लिए तैयार रहना है फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS एंड अप टू 8 क्लास तक आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर TGT एनी सब्जेक्ट, अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम 6 से लेकर 10 तक का सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए आपके सब्जेक्ट का। नेक्स्ट वैकेंसीज जो है हमारी, इट इज़ फ्रॉम SDM स्कूल। आप लोगों ने कहा था मैं आप लोगों को ईस्ट दिल्ली की भी वैकेंसीज बताऊं, तो मैं डेफिनेटली ट्राई कर रही हूं और आज मैं लेके भी आई हूं ईस्ट दिल्ली की वैकेंसी इन द नेक्स्ट। सो हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज जो है, इट इज़ फ्रॉम SDM मॉडल स्कूल। ये आपका विकासपुरी में है, इट इज़ रंजीत विहार नियर चंदा विहार निलौठी एक्सटेंशन। तो अगर आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर PRT के किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, NTT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड कर रखा है। आपको उसमें नेम भरना है, एड्रेस भरना है, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं और थोड़ी सी अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आप किस तरह का स्कूल चाहते हैं, दीज ऑल डिटेल्स यू हैव टू गिव। तो डेफिनेटली आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। देन नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है भारती पब्लिक स्कूल से, इट इज़ इन स्वास्थ्य विहार नियर निर्माण विहार। आपका निर्माण विहार का जो मेट्रो स्टेशन है विकास मार्ग, ये वहाँ पे आपको पड़ेगा। इसमें भी अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप किस PRT हो, NTT हो, प्री प्राइमरी हो, और अगर आप लोग TGT PGT के लिए करना चाहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनकी गिवन ईमेल आईडी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों को बस अपना अपडेटेड CV मेल करना है, ये आप लोगों को रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और ये सारी जितनी भी वैकेंसीज हैं, इट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड आपको पता है आज हमारी 16 जून हो चुकी है, हार्डली वी है 14 डेज़। तो आप लोग अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिए, हार मत मानिए, कीप ऑन अप्लाइंग, कहीं ना कहीं से तो कॉल डेफिनेटली आएगी। अगर आपकी इंग्लिश भी वीक है नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहेंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कभी भी आपको कॉल आ सकता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है, मैं आपको यही बोलूँगी। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं और आप कैसे कैसे आंसर्स उसको दे सकते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर। अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप थोड़ा बोलिए पर इंग्लिश में बोलिए, राइट। सेम हमारी जो एक और वैकेंसी है, इट इज़ फ्रॉम मयूर विहार मायो इंटरनेशनल स्कूल। ये आपका IP एक्सटेंशन में है। इसमें भी आप लोगों की जो वैकेंसी, इट इज़ इन परपड़गंज हसनपुर। तो ये आपका ईस्ट दिल्ली में ही आता है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एनी पोस्ट, इसमें भी आपको अपने CV को क्या करना है, इनके गिवन ईमेल आईडी पे मेल करना है अपडेटेड CV एंड अपने सब्जेक्ट में आप डालेंगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TGT साइंस या TGT मैथ्स। आपको प्रॉपरली डिटेल देना है, अपना जो भी बॉडी है मैसेज की वो आप लिखना ज़रूर कि डियर सर मैम, आई काइंडली फाइंड माय अटैच्ड रिज्यूमे अलॉन्ग विद सीटेड सर्टिफिकेट, अगर आप अटैच करना चाहते हैं, अदरवाइज अपने आप अपडेटेड CV को कर सकते हैं। नाउ आप लोग पूछ रहे थे कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है। सी दिल्ली में जितने भी स्कूल्स हैं आपके, जितने भी आपके अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं या एवरेज हैं, वो सबसे पहले आप लोग कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको हमेशा पहले रिटर्न टेस्ट से निकलना ही पड़ेगा। अब हो सकता है रिटर्न टेस्ट से पहले डेमो भी हो सकता है, पर जनरली सारे स्कूल्स के अंदर सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होता है। अगर आप रिटर्न टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप लोगों को डेमो तक पहुँचाया जाता है, आपको क्लास में भेजा जाता है फॉर टीचिंग। एंड थर्ड आपका जो राउंड होता है, इट इज़ द इंटरव्यू राउंड, एंड तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो स्टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।